चीन की अमेरिका के साथ व्यापारिक टसन चल रही है, लिहाजा अमेरिका और दुनिया के कई देशों की कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगी है। कुछ निकल गई हैं और कुछ ये तय करने में लगी हैं कि दूसरा ठिकाना ठीक ठाक हो। भारत में संभावनाएं काफी हैं, लेकिन टैक्स राह का रोड़ा बन रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने एकदम से कॉरपोरेट टैक्स घटाकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है, यानी वो दांव जो भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% के कॉरपोरेट टैक्स की घोषणा की है। इसका मकसद चीन में काम करने वाली उन कंपनियों को लुभाना है जो अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के कारण कहीं और शिफ्ट होना चाहती है। जानकारों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए और उपाय करने होंगे। सेस और सरचार्ज के साथ ऐसी कंपनियों को 17% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस पहल के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स वियतनाम और म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बराबर हो जाएगा। इन देशों में 15-20% का टैक्स कंपनियों पर लगता है। पिछले एक साल में एप्पल, डेल और एचसी सहित 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से आंशिक तौर पर निकली हैं या अपना प्रोडक्शन बेस किसी अन्य देश में शिफ्ट कर रही हैं। यहां तक कि चीन की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TCL के भी टीवी प्रोडक्शन को वियतनाम शिफ्ट करने की खबरें आई हैं। चीन की साइलून टायर भी मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड में जा रही है। इस मामले में क्रिसिल के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट DK जोशी ने कहा, नई कंपनियों के लिए 15% का कॉरपोरेट टैक्स बहुत बड़ी रियायत है। जो कंपनियां चीन से भारत आना चाहती हैं, उनके लिए यह मध्यम अवधि में निर्णायक साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अभी कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि इस मामले में दूसरे देश भारत से काफी आगे हैं। हाल में आई खबरों से पता चला है कि अमेरिका चीन के व्यापार युद्ध का अधिकतम लाभ वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों को मिला, न कि भारत को। यह बात हैरान करने वाली है, क्योंकि भारत का घरेलू मार्केट इन देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। जानकारों का कहना है कि अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन खरीदने में देरी, सख्त श्रम कानून और ऊंची टैक्स दरों के कारण भारत के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्लांट लगाना पसंद करती हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा, मेक इन इंडिया मुख्य तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, जो जमीन अधिग्रहण और श्रम सुधारों जैसी कई चीजों पर निर्भर करता है। भारत में जमीन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, श्रम का मामला भी ऐसा ही है। हमें इन सब चीजों को मिलाकर देखना होगा।